अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। तो यहाँ पे अब पार्ट टू में आपको बता रही हूँ, जो हम गामठी में गए थे आप फ्रेंड के बर्थडे पे, तो यहाँ पे केक कट कर लिया था, तो मम्मा वहाँ टेबल पे बैठे हुए थे, जो हमने डिनर का टेबल बुक कराया था ना वहाँ पे, तो आप फ्रेंड वहाँ पे इनको केक खिलाने गए थे कि थोड़ा दूर था तो वो वहाँ चल के नहीं आ सकते थे, पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था, क्योंकि वो मेरे घर पे भी आए थे तो थर्ड फ्लोर पे चढ़े थे और उतरे थे तो उनके पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वहीं पे ही बैठ गए थे। तो यहाँ पे केक कट हो चुका है, सब ने खा लिया है और हम सब बातें कर रहे हैं, और हमारे अलावा अब आखिर में कोई भी केक कट करने वाला नहीं था, हम लास्ट में थे, क्योंकि हमारे पहले तीन फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वो केक कट करके चले गए थे, लास्ट में हम ही बाकी रहे थे। तो देखिए यहाँ पे चिड़िया, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी प्यारी वाली रंग बिरंगी दिख रही है यहाँ पे। और ये जो वीडियो है ना, वो 16 दिसंबर की ही है, आफरीन के बर्थडे की, उसी दिन मैंने ख़त्म भी पढ़वाया था। तो देखिए यहाँ पे डिनर के टेबल पे हम सब आ गए हैं और हमारी प्लेट भी लग चुकी है। तो यहाँ भाई बोल रहे थे कि सब ऑर्डर दे दे, आपको क्या खाना है, चाइनीज़ खाना है या आपको गुजराती खाना है या पिज़्ज़ा वगैरह खाना है। तो भाई को हमने कह दिया कि आप ही एक ऑर्डर दे दे सबके लिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुजराती डिशेस में भी बहुत ज़्यादा थे, पंजाबी में भी ज़्यादा थे, तो क्या मंगवाना है ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पर हम बैठ गए तो हम सब छतें देखने लगे, कितनी अच्छी प्यारी लग रही थी इसकी छतें। और यहाँ पे दोनों भाई ऑर्डर दे रहे हैं, तो भाई बोले कि पहले स्टार्टर में क्या मंगवाना है, तो सब मेन्यू कार्ड देख रहे हैं और भाई बोल रहे हैं कि पहले क्या खाना है, पहले वो ऑर्डर दे देते हैं। तो भाई ने यहाँ पे बोला था कि पहले हम सिजलर ऑर्डर कर देते हैं, तो यहाँ पे तीन सिजलर ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि इतने सारे लोग थे तो हम सब थे, तो भाई ने इस हिसाब से तीन सिजलर मंगवाए हुए थे और सिजलर बहुत ही अच्छे थे, टेस्टी वाले। और देखिए यहाँ पे सिजलर भी आ गए थे, वो खुद ही अपने उनके जो होटल के वेटर होते हैं ना, वही आपको सर्व करके देंगे। यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता थे, राइस थे, गार्लिक राइस थे और चिप्स भी थी, और चिप्स के ऊपर तो इतना चीज़ लगाया हुआ था, बहुत ही अच्छा था सिजलर, और गर्म भी बहुत ही ज़्यादा था और स्पाइसी भी था, और ठंडी के मौसम में तो ऐसा खाना हो तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वेटर सब की डिशों में सर्व कर रहे हैं, तो हम सब सिजलर खाएंगे। इसके बाद वेटर ने बोल दिया था कि आप सबको क्या खाना है मेन कोर्स में, तो भाई बोले कि चलो अब थोड़ा खाते हैं, फिर इसका मेन कोर्स का भी ऑर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे अलवीरा को देखिए आप, इनके मामों के साथ बैठी है, छोटे वाले मामों के साथ, और फ़ोटो ही क्लिक करवा रहे हैं, उनको बोले कि आप पहले खा लो फिर फ़ोटो क्लिक करवाना। और राइस तो बहुत ही अच्छे थे, एकदम गार्लिक की स्मेल आ रही थी इसमें, बहुत ही अच्छे थे, मुझे ऐसा लगा कि इसमें हरा गार्लिक डाला हुआ था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, टेस्टी एकदम। और हम गामठी में कभी भी आए तो पहले हम सिजलर ही ऑर्डर करते हैं, इसके बाद ही हम मेन कोर्स खाते हैं। और पास्ता में भी दो टाइप के थे, थोड़े वाइट थे और थोड़े रेड थे, और कैप्सिकम और प्याज इसमें अच्छी से भून के डाली हुई थी, एकदम कच्चापन भी नहीं था उसमें। तो सब खाने लगे हैं और मैंने खाने की थोड़ी थोड़ी ही क्लिप बनाई है, बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने खाने की नहीं बनाई है। अभी यहाँ पे खाने होटल में तो डिफरेंट हो गया रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ पे खाने में भी बहुत डिफरेंट हो गया, यहाँ खाना जो आप पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। यहाँ पे जूनागढ़ से थोड़ी दूर ही तो है हाईवे पे, लेकिन क्या करें, जब हमें सेलिब्रेट करना हो और कुछ अलग से डिफरेंट खाना हो तो हमें तो आना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो देखिए यहाँ पे छाछ पापड़ और सलाद सब आ गए थे सिजलर खाने के बाद, और भाई ने ऑर्डर भी कर दिया था, तो यहाँ पे पनीर लबाबदार मंगाया था भाई ने, और रोटियाँ जो होती है ना नान मैदे की, वो मंगा ली थी। और बड़े भाई यहाँ पे प्याज पे काला मिर्च और नमक छिड़क रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज़रा तीखा खाना बहुत पसंद है। और मसूदा यहाँ पे सबको हाय बोल रहे हैं, और देखिए आफरीन भी, और बच्चे तो जो उनकी अब
करने देते हैं ना उनकी मनमानी, तो बहुत ही खुश होते हैं। और आज तो बर्थडे का दिन है, तो उन्हें हम कुछ खिजा भी नहीं सकते और केज भी नहीं सकते। यहाँ पे ये रोटियाँ नान की जो थी बहुत अच्छी और सॉफ्ट थी, एकदम बटर वाली थी। और यहाँ पे पनीर लबाबदार भी आ गया था। और भाभी ने यहाँ पे नरगिसी कोफ्ता भी मंगा लिया था, वो भी बहुत अच्छा था, टेस्टी वाला। नरगिस कोफ्ता हरे वाला था, देखिए यहाँ इस पे भी चीज़ और पनीर लगाई हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पनीर लबाबदार है जो सर्व कर रहे हैं वेटर। फिर भाई ने बोला कि चलो इतना हो गया, आप सबको क्या खाना है, इसके बाद भी आप हमें बोले को ऑर्डर दो। हमने कहा बस बस, तो भाई ने कहा नहीं अभी थोड़ा आगे बाकी है जी, आप सबको खाना है। तो छोटे भाई ने हम जब आए ना उसके पहले थोड़ी देर पहले ही आके यहाँ पे सब बुक टेबल और करा दिया था और सब कंप्लीट करके रखा हुआ था। और यहाँ पे पंजाबी जो अचार है ना खट्टे वाला, वो भी बहुत अच्छा था। और ये मंगा लिया था पनीर कोल्हापुरी, बहुत अच्छा था वो भी। और दाल फ्राई और जीरा राइस भी मंगा लिए थे। और यहाँ पे लास्ट में भाई ने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था। तो हम बोले कि बस इतना बहुत ज़्यादा हो गया, तो भाई बोले नहीं अब बच्चियों को पिज़्ज़ा भी खिलाना है। तो वहाँ से आके मैं से घर आई तो देखा तो किचन एकदम से मैसी सा पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले आके कपड़े बदल लिए और फिर साफ़ सफाइयाँ किचन की शुरू कर दी। और रात में हमें वहाँ से आते आते भी लेट हो गया था, तकरीबन 12 साढ़े 12 तो बज ही गए थे। तो यहाँ पे मुझे नींद भी नहीं आएगी क्योंकि मेरा किचन गंदा सा पड़ा था, इसीलिए पहले मैंने आके यहाँ पे सफाइयाँ शुरू कर दी, बर्तन वगैरह सब निकाल लिए। बच्चियाँ तो इतनी थकी हुई थी कि वह कपड़े बदल के सब हाथ और मुंह धो के सब सो गए हैं। और मैंने यहाँ पे किचन की सफाइयाँ शुरू कर दी। फिर सुबह में उठ के मुझे ज़्यादा काम हो जाता है, नाश्ता मेरे हस्बैंड का, टिफ़िन वगैरह, तो मुझे अभी सब समेट लूँ तो मुझे सुबह में नाश्ता और टिफ़िन बनाने में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वरना मैं इन्हें सब साफ़ करूँगी और फिर नाश्ता और टिफ़िन बनाने का स्टार्ट करूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा सुबह में। तभी मैं यहाँ पे सब साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी। फिर मैं सोते सोते, आपको मालूम है मुझे रात के 2 बज गए थे, क्योंकि यहाँ पे सब साफ़ करते करते, क्योंकि हॉल भी ऐसा ही सब भरा हुआ था, किचन भी, तो मुझे सब समेटते समेटते 2 बज गए थे। और थोड़ा सा बोनवीटा बचा हुआ था, सब ने पी लिया था, फिर मैंने इसे फ्रिज में निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे खजूर भी बच गई थी तो इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहर चींटियाँ बहुत ही आती है, इसीलिए इसे मैं रख दूंगी। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो गया है, तो मैंने नाश्ता और टिफ़िन बॉक्स मेरे हस्बैंड का सब बना लिया था। तो आज मैंने आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पे देखिए ढेर सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि 2 दिन तक मैंने कपड़े नहीं धोए हुए थे क्योंकि मुझे काम था सब, इसलिए अब कपड़े ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं और थोड़े अभी बाकी है, क्योंकि बेडशीट, टुवाल और शॉल और जो पग पूछे नहीं होते हैं वो अभी सब मुझे धोने हैं, तो मैं थोड़े थोड़े करके धो लूँगी। और फिर मैं आज की सब्ज़ी तो मुझे नहीं बनानी है, क्योंकि सुबह में मैंने मटर और आलू की सब्ज़ी बना ली थी, तो अब मुझे सिर्फ रोटियां ही बनानी है। अभी मासूरा के भी जल्दी टाइम हो जाता है ट्यूशन का, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो हम 3 बजे भी खा लेते हैं दोपहर का खाना, लेकिन अभी हमें जल्दी खाना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कपड़े वॉश कर दिए। और मैंने आपको से कहा था ना कि हमारे बिल्ली के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो तो 3 उसके बच्चे हैं और माशाल्लाह से इतने अच्छे और प्यारे हो गए हैं, तो आप देखिए। और इनकी आंखें भी अब खुल गई है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनको मेरे तरफ़ से सबको थैंक यू सो मच है। तो देखिए ये बड़े हो गए हैं लेकिन अभी इन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इन्हें अंदर ही रख रहे हैं, क्योंकि बाहर आएंगे तो फिर वो चलने लगेंगे और सारे घर में घूमने लगेंगे। तो अभी इनको अंदर ही बिठाया हुआ है, तो आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।